सो हाय फेलर्स, चेंगुइर। सो आई नो गाइस, तुम लोग मॉर्निंग से काफी ज्यादा एक्चुअली एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि 0.17.0 का अपडेट तुम्हारे डिवाइस में कब शो करेगा। बिकॉज देखो, पबजी वाले डेट तो आज की दी थी, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बट गेम के अंदर अपडेट क्यों नहीं शो कर रहा है। तो इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि तुम लोग सिर्फ उस ट्रिक को फॉलो करो एंड उस ट्रिक को फॉलो करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम्हारे डिवाइस के अंदर अपडेट शो होने लग जाएगा बिल्कुल कंफर्म। एंड देन उसके बाद तुम लोग अपडेट करके जो न्यू गेम में स्टफ आया है उसके सबको पूरा का पूरा इंजॉय कर सकते। इस वीडियो में मैं कोई तुम्हें पैच नोट्स नहीं बताने वाला हूं कि 0.17.0 के क्या है, बिकॉज मुझे पता है, मेरी ऑडियंस को वो चीज पता है, मैं वो चीज पहले ही कवर कर चुका हूं। तो चलो आज यार इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं अपडेट अपने डिवाइस के अंदर इन जस्ट 5 मिनट्स। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे अपकमिंग लीक्स ट्रिक्स एंड ग्लिच सबसे पहले जानने के लिए। सो गाइस, जो यहाँ पे मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ वो है मेरा रेड मैजिक का एक एंड्रॉइड डिवाइस। तो हम लोगों को नॉर्मल यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को आना है अपनी होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद हम लोगों को फोन को कर देना है पावर ऑफ। यस, हम लोगों को फोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है नॉर्मली। एंड ये वाली चीज मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैंने उस टाइम जब कर रहा था ट्राई मैंने सारा रिकॉर्ड किया है, उसी को तो मैं फिर से रीप्ले करके दिखा रहा हूँ विद वॉइस ओवर। या लाइव नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इससे 10 मिनट पहले ये चीज खुद ट्राई कर चुका हूँ, मतलब खुद ट्राई करूंगा, मुझे पता लगेगा कि हाँ ये चीज वर्क कर रही है तभी तो मैं बताऊंगा, वरना खुद ट्राई करे बगैर कैसे बता सकता हूँ, है ना, कोई गलत चीज थोड़ा बताऊंगा। तो उसके बाद देखो, ये रीस्टार्ट करने के बाद 5 से 6 मिनट तुम इसको छोड़ देना ऐसे ही। एंड इसको छोड़ने के बाद उसके बाद फिर से इसको ऑन करो, अपनी डिवाइस को ऑन करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट इसको रख दो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑन करने के बाद ही डायरेक्ट आ जाएगा ये वाला, मेरे को खुद ये चीज हुई है एक्सपीरियंस। मैंने इसको ऑन किया था, मैंने खुद इसको 8 o'clock पे ऑन किया एंड मैंने डायरेक्ट देखा मुझे नहीं आया था उस टाइम पे अपडेट। एंड मैंने वही सिमिलर चीज मैंने अपने 2-3 और डिवाइसेस में की, उसमें भी नहीं आया था। तो यार ये मतलब यही है कि आप लोग जैसे ही फोन को रीस्टार्ट कर रहे हो, रीस्टार्ट करने के बाद ऐसा नहीं है डायरेक्ट ही आपको अपने जो गेम में अपडेट दिखने के लिए शो हो जाएगा। एंड ये जो चीज है वैसे भी डिपेंड करती है कि अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से, बट ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग फोन को रीस्टार्ट करते हैं तो जो डाटा है वो चेंज हो जाता है, मतलब हैकिंग का नहीं होता है, रिफ्रेश हो जाता है एक तरीके से आप लोग कह सकते हो। प्ले स्टोर डाटा या आपके फोन के अंदर जितने भी बैक में चीजें चल रही होती हैं, बैकग्राउंड स्टोरेज, तो वो सब एक बार रिफ्रेश हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे अपडेट्स हैं वो चीज हम लोगों को पॉपअप हो जाते हैं आमतौर पर। एंड ये चीज आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हो इसका रीजन क्या है, ये एक जेन्युइन रीजन है जो गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे रीस्टार्ट फोन करने से तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी गेम के अंदर एंड यहाँ पे जो मेरा अपडेट है ये मोस्ट प्रोबेबली पूरा होने ही वाला है। एंड ये पूरा होते ही हम लोग चलेंगे गेम के अंदर एंड देखेंगे क्या क्या न्यू चीजें आई हैं एंड क्या क्या हम इंजॉय कर सकते हैं। फाइनली गाइस, जो मेरा अपडेट है यहाँ पे पूरा हो चुका है एंड उसके बाद अब हम लोग ओपन कर सकते हैं गेम को एंड देख सकते हैं कि क्या क्या न्यू चीजें आई हैं, जिन सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं। एंड आई थिंक वही मैक्सिममली वही अपडेट्स होंगे जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। एंड अब जो हम लोग गेम ओपन कर रहे हैं वो वाला गेम का आप लोग वर्जन ऊपर चेक कर सकते हो, अभी लिख के आएगा थोड़ी सी इंटरनल कोई इसकी डाउनलोडेशन हो जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी गेम को लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद आते हैं। तो फाइनली यार यहाँ पे लॉगिन हो चुका है मेरा एंड अब हम लोग जा रहे हैं गेम के अंदर। मैंने अपने ब्रदर की आईडी से लॉगिन किया है बिकॉज इस वाली डिवाइस में उसी की आईडी थी, तो हम लोग देख सकते हैं। सो ओके, फाइनली अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ब्रदर्स इन आर्म नाउ अवेलेबल। सो इस चीज़ से देख के हमें पता लग जाता है कि जो न्यू अपडेट है हमारी गेम के अंदर आ चुका है। एंड क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा ब्रदर्स इन आर्म जो चीज़ थी वाली न्यू अपडेट के अंदर ही थी। एंड आई थिंक सो कि हम लोगों को हार्ड कोड वाला भी इसके अंदर शो होने लग जाना चाहिए, बिकॉज ओके हार्ड कोड मोड भी इसके अंदर आ चुका है एज आई टोल्ड यू। तो ये है हम लोगों का 0.17.0 का अपडेट जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ले सकते हैं। इसके अंदर देखा जाए कोई न्यू इवेंट तो मुझे अभी फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मे बी हम लोगों को इन फ्यूचर को इसमें इवेंट्स भी देखने के लिए मिल जाए। फिलहाल अभी काफी लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपडेट को करने को, तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी है। वीडियो को खूब सारा शेयर करो यार, जिससे कि काफी ज्यादा लोगों को हो पाए। एंड जिस चीज की भी इस वीडियो से हेल्प होगी यार प्लीज मुझे जरूर से बताना कि मेरी किस किस को हेल्प हो पाई वीडियो की वजह से। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट कर देना। मेरा आज एग्जाम है, एग्जाम जैसे ही मेरा ओवर होगा मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा एंड कमेंट्स पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई दे दूंगा जो जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी जेन्युइन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टेंगो, बाय बाय।